हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मेरा नाम आशीष अग्रवाल फ्रॉम SMS मेडिकल कॉलेज जयपुर, और आज अपन बात करेंगे CSF, हाइड्रोसिफेलस और ब्लड ब्रेन बैरियर। ठीक है गाइस, और इसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या पूछे जाते हैं यूनिवर्सिटी में, मेनली कॉम्पोजिशन ऑफ CSF, हाइड्रोसिफेलस, ब्लड ब्रेन बैरियर। ठीक है ना, बेसिक से क्वेश्चन है, आ भी सकते हैं एग्जाम में, और तुमको इनके बारे में नॉलेज होनी ही चाहिए। ठीक है गाइस, और गाइज अगर आप लोग नए हो इस चैनल पे तो मैं आपको बता दूं कि ये चैनल है फिजियोलॉजी की वीडियोस डालता है। ठीक है गाइस, और मतलब क्या हुआ है, मतलब मेरा मेन मोटो तो यही है कि कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड किया जाए, क्योंकि गाइस MBBS बहुत बड़ी है, तो आपको मतलब एक थोड़ा सा फ्री फील करवाने के लिए और अच्छे से अच्छे कंसेप्ट भी देने के लिए, क्योंकि थोड़ा सा एजुकेशन कमज़ोर रहता है कॉलेज में, ना तो अपना मन करता है, बाकी तो देखते हैं। ठीक है गाइस, और मैंने अभी तक है ना CVS की वीडियोज डाल दी है, और मोटर सिस्टम ऑफ CNS भी कंप्लीट हो चुका है, जिसमें से ऑलमोस्ट 70% तो क्वेश्चन आते हैं CNS के अंदर से, और बाकी ये 4-5% आते हैं अदर एक्टिविटीज ऑफ ब्रेन में से, वही डाल रहा हूँ मैं अभी। इसके बाद जैसे REM स्लिप डाल देंगे, और गाइज क्या वो चीज कैसे क्या कहते हैं उसे, हाँ जो सेंसरी रिसेप्टर्स और स्पेशल सेंसेस है उसके अंदर से 25% क्वेश्चन आते हैं, तो इसके बाद अपन वही प्लेलिस्ट शुरू करेंगे अदर एक्टिविटीज के बाद। तो मोटर सिस्टम और CVS आप चेक कर सकते हैं। ठीक है गाइज, उसमें भी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख लिख के बताए। ठीक है, और फिर ठीक है, और तो क्या ज्यादा टाइम लेंगे नहीं आपका, स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना, लेट्स डू दिस। सबसे पहले अपन CSF से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, CSF, तो CSF का फंक्शंस क्या क्या है। ठीक है ना, CSF फंक्शंस, ठीक है, CSF के फंक्शन क्या क्या है। तो सबसे पहला मैकेनिकल क्वेश्चन। ठीक है गाइस, तो मैकेनिकल क्वेश्चन क्या, मैकेनिकल क्वेश्चन मतलब क्या होता है, जो CSF है ठीक है उसके अंदर क्या करता है, ब्रेन फ्लोट करता है, और ये एक मैकेनिकल क्वेश्चन की तरह एक्ट करता है। ठीक है ना, कौन ये CSF, जैसे कि ब्रेन को मतलब ज्यादा से ज्यादा हिलने नहीं देता, ज्यादा इंजरी नहीं होने देता। लेकिन अगर मान लो कि अगर ये मान लो मैंने एक स्कल बनाया, ठीक है ना, और इसके अंदर अपना ब्रेन है, ठीक है, तो क्या थोड़ा अच्छा नहीं बना। ठीक है, मान लो कि यहां से ब्रेन स्ट्रक होता है, ठीक है, किसी भी कारण से स्ट्रक होता है, ठीक है ना, तब होता क्या है, जिस साइड से ब्रेन स्ट्रक हुआ, ठीक है, अब ये जो स्कल है ये तो चाने ये तो पीछे चले जाता है, ठीक है, और अभी तक ब्रेन हिला नहीं है, जिसके अंदर का CSF है वो इनकम्प्रेसिबल है, तो ये पीछे, तो CSF पीछे आएगा फिर ब्रेन पीछे आएगा, तो यहाँ पे जब ये पीछे जाता है तब कुछ सेकंड्स के लिए कांस्टेंट होता है, ठीक है ना, ये मूव नहीं होता, और इस जगह पे थोड़ा सा वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, और बाद में जाके ये इससे कोलाइड होता है। ठीक है, ये इससे कोलाइड होता है, तो जहां पे इंजरी हुई, ठीक है ना, जहां पे अपन ने ब्लो दिया वहां पे इंजरी नहीं हुई, उसके अपोजिट साइड में हुई, ठीक है ना, तो इसको क्या कहते हैं, काउंटर कॉप इंजरी। ठीक है ना, एक मिनट देखो मैं आपको लिख के बता देता हूं, ये काउंटर, इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है, बस ये ऐसे गाइडन में दिया था तो मैंने लिख दिया, बाकी शायद एक ही जन में तो दिया भी नहीं है, ठीक है ना, तो ये मैंने ऐसे इंटरेस्ट की वजह से लिख दिया। तो इसे क्या कहते हैं, काउंटर कॉप इंजरी, इसका मतलब क्या हुआ, कॉन्ट्यूजन, कॉन्ट्यूजन मतलब जहां पे इंजर्ड टिश्यू है, ठीक है ना, कॉन्ट्यूजन अकर्स ऑन ऑपोजिट साइड ऑफ द इंपैक्ट इंजरी। ठीक है, जो कॉन्ट्यूजन है वो ऑपोजिट साइड में हुआ जहां से इंजरी हुई है, मतलब यहां पे, मतलब हिट तो यहां पे हुआ, ठीक है, और उसका इफेक्ट अपोजिट साइड में आया। हाँ गाइस, ठीक है, तो ये जहां पे अपन ने इंपैक्ट दिया उसके ऑपोजिट साइड में इंजरी हुई है, ये ठीक है ना, ये सारी बेला में समझ जाना, ठीक है, ये पॉन्स और ये मेडुला, ठीक है, तो इस तरीके की बात है। और एक क्या होता है, कॉप इंजरी, ठीक है, अब आप समझ रहे होंगे ये क्या है, मतलब जहां इफेक्ट आया है ना वो सेम साइड में ही आया है, मतलब जहां पे ब्लो हुआ है, जहां पे लगी है उसी साइड इंजरी हुई है, कैसे, सेम साइड ऑफ द इफेक्ट, इंपैक्ट इंजरी, ठीक है, सेम साइड ऑफ द इंपैक्ट इंजरी, जहां पे मारा है वहीं पे आया। अब जैसे मान लो अपन किसी बस बस में बैठे, ठीक है ना, या ट्रेन, मतलब किसी में भी समझ लो बस में बैठे, ठीक है, और अचानक से गाड़ी रुकती है तो क्या होगा, स्कल तो रुक जाएगा पर ब्रेन इनर्शिया की वजह से आगे की तरफ जाएगा, और इसकी वजह से यहां से टकराता है। और ये जो काउंटर कॉप इंजरी है जनरली कहां देखने को मिलेगी, ये जहां पे अपन व्हीकल्स व्हीकल्स अपन चला रहे हैं और वहां पे अपन ठोक दे रहे, तो फिर यहाँ पे स्ट्रक्ट होगा और ये पीछे जाएगा, वही वाला कंसेप्ट हो गया, ठीक है ना।
तो अब अपन देखते हैं इसके और क्या क्या फंक्शन है। ठीक है, तो सेकंड फंक्शन क्या है, एक तो हो गया मैकेनिकल क्वेश्चन, ठीक है, एक है एक्सक्रीटरी फंक्शन। एक्सक्रीटरी मतलब ये जो हार्मफुल ब्रेन मेटाबोलाइट्स है, जो बचते हैं रिमेनिंग मेटाबॉलिज्म के बाद जो बचा हुआ प्रोडक्ट है उसको भी सीएसएफ से निकाला जाता है। ठीक है ना, अब अपन देखते हैं कहाँ जाता है, क्या है इसका फ्लो, अभी अपन देखने वाले हैं। ठीक है ना, ये बफर की तरह भी एक्ट करता है। ठीक है, ये न्यूट्रिएंट एक्सचेंज का एक मीडियम है, न्यूट्रिएंट एक्सचेंज मीडियम। ठीक है, और क्या, ये एक रेगुलेटरी मीडियम है, मीडियम फॉर ट्रांसफरिंग सिग्नल्स थ्रू रेगुलेटरी फैक्टर्स। आया समझ में? तो मतलब एक रेगुलेटरी मीडियम है, ट्रांसफर करता है सिग्नल्स को थ्रू रेगुलेटरी फैक्टर्स। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, अब इसका देखते हैं फॉर्मेशन, फॉर्मेशन फ्लो और एब्जॉर्प्शन, कैसे बन रहा है, कहाँ से बन रहा है, कैसे फ्लो कर रहा है और एब्जॉर्ब कहाँ से हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहला ये जो फॉर्मेशन है ना, ये वैसे तो तीन जगह से होता है। ठीक है, और वैसे मेनली जिस जगह से होता है अपन उसी की बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ बेसिक सी बातें ले लेते हैं कि जो सीएसएफ है ना वो किस स्पीड में बनता है, 500 ml पर डे। ठीक है, जो कि क्या है 3 to 4 times ज्यादा है। ठीक है ना, जितना रिक्वायर्ड है, जितना रिक्वायर्ड मतलब ये टोटल वैसे प्रेजेंट कितना रहता है एक टाइम पे, 150 ml, और बनता कितना है 500 ml पर डे, मतलब 3 to 4 times ज्यादा, उसका जितना वॉल्यूम है उससे ज्यादा बनता है। तो बाकी सब क्या होता रहता है, ड्रेन होता रहता है। ठीक है ना, तो इसकी वजह से सब मेंटेन्ड रहता है। और क्या, अब ये बनता कहां से, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय सेक्रेशन फ्रॉम द कोरोइड प्लेक्सिस इन द फोर्थ वेंट्रिकल्स। ठीक है, तो कोरोइड प्लेक्सिस होते हैं, अभी कोरोइड प्लेक्सिस क्या होता है, मतलब ये एक समझ लो कॉलीफ्लावर लाइक ग्रोथ है ब्लड वेसल्स की। ठीक है ना, ऐसे 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 ग्रोथ होती है ब्लड वेसल्स की। ठीक है ना, तो वो सेक्रीट करते हैं। ठीक है, बीच में सरफेस होता है, ठीक है ना, एपिडर्मल सरफेस, और वो सेक्रीट करते हैं। ठीक है, और वो जो सेक्रीट करते हैं तो उससे सीएसएफ बनता है, वो ब्लड से सेक्रीट हो रहा है, लेकिन उनके कॉम्पोजिशन में फर्क है, वो ये पे अपन देखने वाले। ठीक है, तो फॉर्मेशन कहां से होता है, कोरोइड प्लेक्सस ऑफ द वेंट्रिकल्स, और मेनली लेटरल वेंट्रिकल्स से होता है। ठीक है, और फ्लो भी देखते हैं, और एब्जॉर्ब कहां से होता है, एरेक्नोइडल विलेज से, एरेक्नोइडल विलाई। अभी एरेक्नोइडल विलाई क्या है, एरेक्नोइडल विलाई कहाँ होती है, सब एरेक्नोइड स्पेस में, मतलब माइक्रोस्कोपिक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन से जैसी विलाई होती है, और उनका कुछ वॉल्व लाइक फंक्शन होता है, वो भी अपन बताएंगे। ठीक है ना, तो अब इसका पहले फ्लो देखते हैं। ठीक है, तो फ्लो क्या है, ठीक है, तो कोरोइड प्लेक्सस से स्टार्ट होता है। ठीक है, फिर कहाँ जाता है, कोरोइड प्लेक्सस, और ये कोरोइड प्लेक्सस से निकल के लेटरल वेंट्रिकल्स में आता है। ठीक है ना, कोरोइड प्लेक्सस मेनली लेटरल वेंट्रिकल की बात चल रही है। ठीक है, तो लेटरल वेंट्रिकल से फिर थर्ड वेंट्रिकल, शायद आपने एनाटॉमी में पढ़ा होगा, फिर थर्ड वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा, एक्विडक्ट ऑफ सिल्वाइस। ठीक है, फिर वहां से कहाँ जाएगा, एक्विडक्ट ऑफ सिल्वाइस से फोर्थ वेंट्रिकल। ठीक है, फोर्थ वेंट्रिकल के बाद तीन स्मॉल ओपनिंग होती है। ठीक है, तीन स्मॉल ओपनिंग, दो तो क्या लेटरल फोरामिना ऑफ लुश्का। ठीक है, इसमें कोई हार्ड चीज नहीं है, आप इसको आराम से याद कर सकते हैं। ठीक है ना, एक दो बार आप खुद बना लेंगे फ्लो चार्ट तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, एंड अ मिडलाइन, दो तो हो गए फोरामिन ऑफ लुश्का, और एक बीच में होता है फोरामिन ऑफ मेजेंडी। ठीक है, फोरामेन ऑफ मेजेंडी, उसके बाद ये एंटर होता है सिस्टर्ना मैग्ना। अभी सिस्टर्ना मैग्ना क्या है, मतलब ये स्पेस है जो वेंट्रिकल्स को उससे कनेक्ट करके रखती है, सब रेक्नॉइड स्पेस से, सेरेबेलम के नीचे होती है। ठीक है ना, और कंटिन्यूज है सिस्टर्ना मैग्ना से निकलने के बाद, सब रेक्नॉइड स्पेस से कंटिन्यू होता है। ठीक है, फिर क्या, ये सेरिब्रम के ऊपर जाता है और एरेक्नोइडल विलाई एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है, एरेक्नोइडल विलाई आपको बता दिया, एक माइक्रोस्कोपिक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन से, और एरेक्नोइडल विलाई से ये वीनस साइनसिस में चला जाता है, सेरिब्रल वीनस साइनसिस पड़े ना, सेजाइटल साइनस। ठीक है ना, ये सब।
ये वीनस साइनसेस में चला जाता है। तो ये था बहुत ही सिंपल सा फ्लो, ठीक है। और ये जो एरेक्नोइडल विलाई है, ठीक है, इट अलाउस फ्लो ऑफ, क्या क्या चीज का फ्लो करती है, पहला तो सीएसएफ जो भी मैंने आपको बताया, सेकंड डिजॉल्व्ड प्रोटीन मॉलिक्यूल्स वो भी इससे पास होते हैं, और कभी कभी रेयरली आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी, जैसे कोई ट्रॉमा वाली कंडीशन आ गई ब्रेन के अंदर, वैसे तो ये ब्लॉक ही कर देते विलाई को, लेकिन कभी कभी थोड़े बहुत अगर आरबीसी डब्ल्यूबीसी होते तो ब्रेन से एरेक्नोइडल विलाई से ड्रेन हो जाते, ब्रेन से बाहर निकल के एरेक्नोइडल विलाई से ड्रेन हो जाते सीएसएफ के थ्रू, ठीक है, वीनस ब्लड के अंदर। अब अपन देखते हैं कॉम्पोजिशन क्या है सीएसएफ का, ठीक है। तो कॉम्पोजिशन कैसे बना हुआ है, जो कोरोनरी प्लेक्सिस है वहां पे क्या होते हैं मेम्ब्रेन चैनल्स होते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्टर्स, ठीक है। तो वो क्या करते हैं सोडियम आयन को ट्रांसपोर्ट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, और उसके साथ साथ क्या जाता है क्लोराइड भी जाता है, ठीक है ना। और पोटेशियम और ग्लूकोज के चैनल्स ही बहुत कम होते हैं, इसलिए सीएसएफ में पोटेशियम और ग्लूकोज कम रहेगा, ठीक है। और सोडियम क्लोराइड आता है तो उसके साथ साथ वाटर भी आता है, तो वाटर दोनों के वहां पे बैलेंस्ड रहता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या सेम ऑस्मोटिक प्रेशर रहेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है वाइवा में, तो पूछेंगे ही पूछेंगे, ठीक है। और एक बार के लिए तो यूनिवर्सिटी में आप लोग लिख के आ जाओगे, लक हुआ तो नंबर भी मिल जाता है, लेकिन वाइवा में नंबर लाना बड़ी बात है, ठीक है। एक अच्छा बड़ी बात तो क्या है, इतने इजी चीजें आनी चाहिए, ठीक है ना। तो सेम सोडियम आयन कंसेंट्रेशन, ठीक है, मोर क्लोराइड कंसेंट्रेशन, क्लोराइड कंसेंट्रेशन ज्यादा है, लेस के प्लस कंसेंट्रेशन, ठीक है, लेस ग्लूकोज कंसेंट्रेशन, ठीक है, एंड ऑलमोस्ट प्रोटीन फ्री, प्रोटीन एंड सेल फ्री, ठीक है। ये था कॉम्पोजिशन ऑफ सीएसएफ, ठीक है। अब अपन देखेंगे लिम्फेटिक फंक्शन ऑफ पेरीवेस्कुलर स्पेस, ठीक है। अब पहले तो ये पेरीवेस्कुलर स्पेस क्या है, ठीक है। तो जो पेरीवेस्कुलर स्पेस है, अब जैसे अगर कोई आर्टरी है, ठीक है ना, वो ब्रेन के सरफेस तक आई, और अब उसके छोटे छोटे जो आर्टरी वो होते हैं ना, क्या कहते हैं इसे, वेन्यूल्स आर्टेरियोल्स, ठीक है ना, वो जब डीप पेनिट्रेट करते हैं ब्रेन के टिश्यू को, तो जो ब्रेन के टिश्यू पे जो पायामीटर की लेयर है वो भी उसके साथ अंदर आ जाती है, ठीक है ना, समझ आ रही। ये जैसे छोटी सी ये आर्टेरियल हो गई, ठीक है ना, और यहां से ये बड़ी आर्टरी आ रही थी, ठीक है, तो वो भी इसके साथ पायामीटर इसके साथ आ जाती है। तो ये जो वेस्कुलर स्पेस है अराउंड आर्टरीज वेन्स, ठीक है ना, तो इसे कहते हैं पेरी वेस्कुलर स्पेस। किस किस के बीच में पायामीटर और ये आर्टेरियल, जो एंड आर्टरीज, एंड ऑफ द आर्टरीज जो होती है ना, एंड आर्टरीज नहीं, एंड ऑफ द आर्टरीज, ठीक है, तो उनके बीच में होती है, ठीक है। अब अपन देखते हैं कि इसका काम क्या है। देखो लिम्फेटिक फंक्शन कहे तो वैसे तो कोई लिम्फेटिक्स होते नहीं है ब्रेन के लिए, बट ये जो चीजें लिम्फेटिक फंक्शन की तरह एक्ट करती है। कैसे, अब जैसे कोई भी चीज है अपन जैसे ड्रेन कर रहे, ठीक है ना, अब अपन ऐसे ब्रेन टिश्यू को ड्रेन कर रहे, ठीक है, तो हो सकता है कुछ जो चीजें है क्या कुछ थोड़ा बहुत वो होता है ना, वो जो थोड़ा सा क्या प्लाज्मा और वो कुछ चीजें थोड़े थोड़े प्रोटीन्स अगर हल्के बहुत वो यहां से रिलीज हो सकते हैं, ठीक है, तो अब वो वापस सीएसएफ में जाते हैं, क्योंकि पायामीटर ये जो बाहर का कैविटी है ये क्या है, ये सब एरेक्नॉइड स्पेस, तो ये यहां से सब एरेक्नॉइड स्पेस में चले जाते हैं सीएसएफ से ड्रेन होकर के, ठीक है, आया समझ में। तो ये एंड आर्टरीज के आसपास की स्पेस है पेरिवेस्कुलर स्पेस, और ये एक्ट करती है लिम्फेटिक फंक्शन के जैसे, आया ना समझ में। नहीं आया हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना, ठीक है ना, मैं पूरा पढ़ाने के लिए तुमको एक नई वीडियो बना दूंगा और डीप समझा देंगे, बाकी ज्यादा डीप रिक्वायर्ड नहीं होता, बट बेसिक्स तुम्हारे क्लियर होने चाहिए, ठीक है ना, मोटी बुक पढ़ना जरूरी नहीं है, बट हर टॉपिक की एक अच्छा नॉलेज होना अच्छी बात है, ठीक है। अब अपन देखते हैं सीएसएफ के प्रेशर के बारे में, ठीक है, सीएसएफ प्रेशर। अब एक नॉर्मल सीएसएफ प्रेशर जो होता है, जब इंसान एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में लेटा हुआ होता है तो वो होता है 130 एमएम H2O, ये H2 को रहने दो, तुम Hg में याद करो, 10 mm ऑफ Hg, ठीक है, तो इतना होता है सीएसएफ नॉर्मल प्रेशर। अब ये जो प्रेशर है ना, ये मेंटेन्ड कैसे रहता है, इसका रेगुलेशन कैसे रहता है, ठीक है। अब क्या होता है, जो आर्केनोडल विलाई है ना, जैसे ये विलाई,
ठीक है, ये एरेक्नोडल विलाई जो है ये वॉल्व की तरफ भी एक्ट करती है, कैसे, जहां पे जो वीनस साइनसिस है उसको यहाँ आने नहीं देती, जबकि जो सीएसएफ है उसको ड्रेन करती रहती है। आया समझ में? तो सीएसएफ को ड्रेन करती रहती है लेकिन वीनस साइनसिस के जो ब्लड है उसको इस साइड नहीं आने देती, और ये सीएसएफ को भी तभी उस साइड जाने देती है जब सीएसएफ थोड़ा सा बढ़ता है, थोड़ा सा जैसे सीएसएफ बढ़ा तो प्रेशर जैसे अराउंड मान लो 1.5 mmHg बढ़ गया, तो उसकी वजह से क्या होता है, वॉल्व खुल जाती है और ज्यादा से ज्यादा सीएसएफ ड्रेन करती है। इसकी वजह से क्या होता है, सीएसएफ अंदर का जो प्रेशर है सीएसएफ का मेंटेन रहता है 10 mmHg पे। ठीक है, अब कभी कभी क्या होता है, हाई सीएसएफ प्रेशर हो जाता है पैथोलॉजिकल कंडीशन में, ठीक है, हाई सीएसएफ इन पैथोलॉजिकल कंडीशन, ठीक है, तो उसके अंदर अब जैसे पैथोलॉजिकल कंडीशन क्या हो सकती है, अब जैसे एक तो हो गया ब्रेन ट्यूमर, ठीक है, अब आपको खुद ही सोच के देख लो, ब्रेन ट्यूमर होगा तो कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्शन ला देगा सीएसएफ के फ्लो को, जो अपन ने पूरा पाथवे पढ़ा, तो उसकी वजह से सीएसएफ का अंदर प्रेशर बढ़ सकता है। सेकेंड, अगर मान लो हिमरेज होता है, ठीक है ना, तो हिमरेज में भी होता है, क्यों, मैंने आपको बताया आरबीसी डब्ल्यूबीसी मेनली ड्रेन नहीं होती, थोड़ी बहुत होगी तो हो जाएगी लेकिन ज्यादा क्वांटिटी में हो जाएगी तो क्या कर देगी, विलाय को ब्लॉक कर देगी, और जिसकी वजह से सीएसएफ ड्रेन नहीं हो पाएगा, तो ये एक कारण है। ठीक है, हाँ, अगला अपन देखते हैं हाइड्रोसिफेलस। अब हाइड्रोसिफेलस में क्या होता है, जो सीएसएफ है ना, वही वाली बात हो गई, उसका ऑब्स्ट्रक्शन हो जा रहा है, सिंपली सीएसएफ का ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा तो हाइड्रोसिफेलस हो जाएगा। ठीक है ना, हाइड्रोसिफेलस मतलब सारा का सारा फ्लूड अंदर इकट्ठा हो जाएगा और स्वेलिंग हो जाएगी ब्रेन में बहुत ज्यादा। ठीक है ना, अगर जैसे एडल्ट्स में मेनली होता तो नहीं है, पर अगर एडल्ट्स में होगा तो क्या होगा, ब्रेन फ्लैट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि अंदर से सीएसएफ बढ़े जा रहा है तो ब्रेन फ्लैट हो जाएगा, लेकिन अगर इन्फेंट्स है, न्यूबॉर्न्स है, तो उनका स्कल सारे बोन्स ऑसिफाई नहीं हुई होती, सारी टाइटली अटैच नहीं होती है, तो खुद स्कल फूल जाता है, तो ब्रेन एकदम ऐसे बड़े बड़े लगते हैं, तो उसे कहता है हाइड्रोसिफेलस। ठीक है, अब हाइड्रोसिफेलस भी क्या होता है, ठीक है, अब पहले मैं इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन लिख देता हूं, सिंपल इजी भाषा में बोले तो एक्सेस वाटर इन क्रेनियल वॉल्ट, ठीक है, उसे कहता है हाइड्रोसिफेलस। अब ये दो तरह के होते हैं, एक होता है कम्युनिकेटिंग और एक होता है नॉन कम्युनिकेटिंग। अब कम्युनिकेटिव नाम से पता पड़ रहा है कि कम्युनिकेट करेगा किससे, सीएसएफ कम्युनिकेट कर पाएगा सब एरेक्नोइडल विलाई से, इसका मतलब एरेक्नोइडल विलाई ब्लॉक हुई है, कोई पाथवे में ऑब्स्ट्रक्शन नहीं हुआ है इसलिए तो कम्युनिकेट कर पा रहा है, एरेक्नोइडल विलाई ब्लॉक्स। और इसके अंदर क्या होता है, सीएसएफ फ्लो पाथवे जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है। आया समझ में? बहुत आसानी से समझा रहा हूं, ठीक है ना गाइस, तो सीएसएफ पाथवे जो है वो ब्लॉक हो जाता है, तो अब आ गया, इसलिए इसको कहते हैं नॉन कम्युनिकेटिंग टाइप। इसका कारण कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, अगर कोई मतलब कभी कभी तो कहता है बर्थ से पहले क्लोज रहता है एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस, ठीक है, या कोई ब्रेन ट्यूमर हो गया किसी भी एज में, ठीक है ना, तो अब इसका ट्रीटमेंट क्या है, अब ट्रीटमेंट क्या होता है, अपन वेंट्रिकल से, ठीक है, पेरिटोनियल कैविटी, पता ना पेरिटोनियल कैविटी एब्डोमेन में होती है, ठीक है, तो और वो भी ब्लड और वो भी मतलब एक सेकंड, हाँ, वो भी ब्लड और पेरिटोनियल कैविटी कनेक्टेड रहती है इसी तरीके से, ठीक है ना, तो वहां से भी ड्रेन किया जा सकता है। तो क्या करते हैं डॉक्टर्स, वेंट्रिकल में सिलिकॉन ट्यूब लगा लेते जो कि डायरेक्ट कनेक्ट कर देते पेरिटोनियल कैविटी को, तो जो भी यहां से सीएसएफ वो यहां से जाता है, पेरिटोनियल कैविटी से ब्लड में वापस कनेक्ट हो जाता है, ठीक है ना, और इसलिए आजकल बहुत फेमस भी है, जैसे रीनल डायलिसिस करते हैं ना हीमोडायलिसिस, वैसे आजकल फेमस है पेरिटोनियल डायलिसिस, ठीक है ना, क्योंकि वो और ब्लड भी कनेक्टेड है और वो वैसे भी एब्डोमेन के अंदर आता है, इसको भी मतलब एब्डोमेन में पढ़ना मिल जाएगा आपको, ठीक है ना, इतना ज्यादा मैं डीप नहीं बता रहा, तो इसे कहते हैं मतलब सिलिकॉन ट्यूब प्लेसमेंट थियोरी, ठीक है ना, इसको प्लेस करना, प्लेसमेंट थियोरी। सो गाइस, वैसे वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, तो मैं जस्ट अगला वीडियो ब्लड सीएसएफ और ब्लड ब्रेन बैरियर इस पे जस्ट एक दो दिन में डाल ही दूंगा, ठीक है ना, तो गाइस वीडियो लंबा ना हो जाए इसके लिए मैं ये टॉपिक अगली वीडियो में पढ़ा दूंगा, ठीक है,
सो गाइज तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ एक मिनट और, अगर गाइज आपको इनके अच्छे से नोट्स चाहिए तो गाइज मतलब मैंने पहले से कंडीशन रख रखी है, हर वीडियो में बोलता आ रहा हूँ कि जिस दिन मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे मैं इन सबके नोट्स आपको डायरेक्टली प्रोवाइड करा दूंगा पीडीएफ फॉर्म में, मैंने खुद ने बनाए हुए नोट्स है और यूनिवर्सिटी में किस तरीके से लिख के आना सीधे उसी तरीके से। और तब तक आप वीडियो से कंसेप्ट ले सकते हो। और गाइज अगर आप लोग चाहते हो जल्दी जल्दी नोट्स मिले तो गाइज ज्यादा से ज्यादा शेयर करें वीडियोज को, जिससे मेरे जल्दी जल्दी सब्सक्राइबर्स बढ़े और मैं आपको आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड कर सकूँ। मेरा आपका दोनों का प्रोग्रेस होगा, मैं बनाऊंगा मतलब आप भी पढ़ पाएंगे तो सबका प्रोग्रेस होगा, ठीक है ना। तो गाइस तब तक के लिए बाय बाय। अगर वीडियो में क्या अच्छा लगा वो जरूर कमेंट में लिख के बताइए, क्या खराब लगा वो लिख के बताइए, कोई भी प्रॉब्लम है क्या, अगली वीडियोस किस टॉपिक पे आनी चाहिए वो भी आप बता सकते हैं। तो तब तक के लिए बाय बाय।